जय श्री राम भैया। तो PP46IDG ट्रैक का आज वीडियो बनाएंगे। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं अपन। ये जो है किसानी काम में बहुत ही काम की चीज़ है भैया। हालांकि है ये फाइबर की बनी हुई है लेकिन सेफ्टी बहुत है इसमें। सबसे पहला तो यह कि जैसे कि चूहे वगैरह की बहुत समस्या आती थी, है ना, जैसे कहीं से घुस जाते थे या काट के तो वो वायरिंग वगैरह ख़राब कर देते। उसके बाद क्या है कि जैसे कि खेत वगैरह जंगल में लगी हुई रहती है तो लोहे की रहती है ना, तो पानी लगने से वो जर्क आता है, उसमें सड़ जाती है। तो ये बिल्कुल फाइबर की बनी हुई है, ठीक है। लॉक वगैरह सिस्टम इसमें बढ़िया है और नई चीज़ है ना। ये स्टार्टर वगैरह अपन बिल्कुल इसको बढ़िया अपने अच्छे से इसमें सेफ्टी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ लेके आए हैं अपन, तो देख लेते हैं अपन PP46IDG ट्रैक। ज़बरदस्त ट्रैक्टर है भाइयों और एस्कॉर्ट कंपनी का है ना। एस्कॉर्ट अपने इंडिया की जो है बहुत ही जानी मानी और सबसे पुरानी ट्रैक्टर कंपनी है मेरे ख्याल से, है ना। तो अपने जो देसी कंपनियां है ना, अपनी जो भारतीय कंपनियां हैं उनमें सबसे बेस्ट जो है वो एस्कॉर्ट कंपनी ही है भाइयों, ठीक है। इसके एस्कॉर्ट शुरू से जो ट्रैक्टर आते थे, उसके बाद इनका फार्म ट्रैक आता है, ठीक है, एक पावर ट्रैक आता है और एक ये ट्रैक्टर जो आता है ये डिजी ट्रैक। ये जो है भाइयों इसको हालांकि लॉन्च हुए 2-3 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ये ट्रैक्टर क्या होता था भाइयों के, जैसे ऑनलाइन इसकी शॉपिंग होती थी, यानी कि मार्केट में इसको शोरूम से नहीं बेचा जाता था। कोई भी कस्टमर या किसान जैसे कि इसको ऑर्डर करके ना मंगवा सकता था। उसमें भी कुछ राज्य ही थे, है ना, वो कह सकते हैं कि अनुबंधित टाइप, सब जगह नहीं दे रहे थे। लेकिन 2023-24 से इसको पूरे मार्केट में खुला कर दिया भाइयों। तो ज़बरदस्त इसकी 4-5 चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपको किसी भी ट्रैक्टर में नहीं मिलेंगी, ठीक है। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन डिजी ट्रैक की। तो इसमें भाइयों कुछ चीज़ें हैं, आज लहसुन की बुआई करने आए हैं तो मौका मिल गया है अपने को डिजी ट्रैक का वीडियो बनाने का, है ना। लहसुन की बुनी कर रहे हैं अपन, तो मैं कर रहा था बात के जैसे कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत बेहतरीन लगी दूसरे अन्य ट्रैक्टरों से, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन जो चीज़ मेरे को पसंद आई है भाइयों वो ये है कि इसका जो फ्रंट एक्सल है ना, आप भी कहीं शोरूम पर जाके आपके गाँव में आपके आस पास कहीं अगर ये ट्रैक्टर हो तो आप देखना इसका जो फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल शायद ही मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 90-100 HP तक के ट्रैक्टर में भी ऐसा वाला ऐसा हेवी फ्रंट एक्सल मेरे को नहीं लगता कि होगा। तो फ्रंट एक्सल जो है इसका बहुत हेवी है और फुल एडजस्टेबल है, ठीक है। अपने काम के हिसाब से इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसके स्पिंडल वगैरह, स्पिंडल में अपन देख सकते हैं बिल्कुल क्या कह सकते हैं जो है स्प्लाइन टाइप से दे रखा है ताकि ये स्लिप नहीं हो, है ना। इसकी जो रॉड है ना पावर स्टीयरिंग वाली, वो रॉड भी बहुत मोटी है भाइयों, ठीक है। सिंगल पंप है और ड्यूल एक्टिंग है, दोनों तरफ एक्शन करेगा, ठीक है। 7/50/16 फ्रंट टायर है और इसका जो आयल है स्टीयरिंग का जो आयल है वो सेफरेट है ना। खोल के भी मैं बता देता हूँ एक बार आपको, इसका जो फ्रंट ये खुलेगा ना वो यहाँ से खुलेगा, है ना। तो ये पावर स्टीयरिंग का जो आयल है ना भाइयों इसमें सेपरेट है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि अपन वो वाला आयल प्लग वगैरह यानी हाइड्रोलिक में यूज़ करते हैं तो वो मेला हो जाता है, ठीक है, एमरी वगैरह आती रहती है। तो कहीं ना कहीं जो ये पंप है ना इसकी वो सुरक्षा के लिए अलग से ही आजकल खैर सभी ट्रैक्टर में देने लग गए अधिकतर ट्रैक्टरों में, तो ये एक बहुत सही चीज़ है ना। दूसरा अपन कह सकते हैं कि जो इसका इंजन है ना, इंजन बहुत भारी भरकम है भाइयों, ठीक है, बहुत बहुत भारी भरकम। यानी कि ये इंजन आपका 1850 है ना इंजन रेटेड RPM पे पूरा 55 HP, हालांकि RC में इसको 50 HP कर रखा है, वो CRDI वाला लफड़ा है, ट्रैक्टर कंपनी और ये सरकार की लड़ाई है, वो तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसमें क्या है कि 50 HP का ट्रैक्टर है, 1850 RPM पे 3682 CC है ना, तो बहुत भारी भरकम इंजन हो जाता है भैया। और सबसे मेन खासियत ये है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है भाइयों, यानी कि इसमें जो इसकी पावर है ये इसके हिसाब से नेचुरली ही लगाएगा, यानी 55 HP जनरेट करेगा ये 1850 RPM पे। ताकत बढ़ाने के लिए ना टर्बो दी है ना EGR है ना, उसको नेचुरली एस्पिरेटेड बोलते हैं। तो बहुत भारी भरकम इंजन है भाइयों, एस्कॉर्ट कंपनी का बहुत ही रिलायबल इंजन है, ताकत बहुत ज़्यादा लगाता है ना। अल्टरनेटर देख सकते हैं अपन बिल्कुल सेफ्टी के साथ में, पंखड़ी वगैरह हाथ वाथ नहीं लगे उस हिसाब से, ठीक है। और टेंडम टाइप का पंप दिया है भाइयों, यानी कि दोनों जो स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक का जो पंप है दोनों एक ही में है ना, एक ही उससे साफ्ट से घूमेगा। ये दे रखा है
हाइड्रोलिक फिल्टर यहाँ पे दे रखा है, करीब करीब 1 लीटर के आसपास इसकी कैपेसिटी होना चाहिए, और एक मैग्नेटिक फिल्टर भी दे रखा है भैया। यानी कि जैसे मान लिया जाए कोई एमरी वगैरह होती है ना, आयल चलता है, पंप चलता है, तो एमरी वगैरह अगर आ जाती है ना, तो उसको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कैचअप कर लेता है। ठीक है, गजानन गणपति करेंगे, तो उसके पहले थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं। तो अपन बात कर रहे थे फिल्टर की, ये दोनों फिल्टर हो गए। इंजन के आयल को फिल्टर करने के लिए यहाँ इसको आड़ा टाइप से एक फिल्टर दिया गया है। मोटर देख सकते हैं अपन, स्टार्टर वगैरह का जो प्लेसमेंट है यहाँ है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। एक चीज़ और ये मैं देख रहा था खासियत की, इसकी जो व्हील बेस है ना, लंबाई जो है इसकी, लंबाई कहीं ना कहीं मुझे दूसरे अन्य ट्रैक्टरों से ज़्यादा लग रही है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा भाइयों? इसका फ़ायदा ये होगा कि होलेज में यानी कि खींचने वाली चीज़ों में ये ट्रैक्टर लिफ्ट नहीं होगा भाइयों, आगे से उठेगा नहीं, इसका फ़ायदा ये हो जाता है। बैटरी का जो प्लेसमेंट है बिल्कुल साइड में दे रखा है। बहुत सारे किसान इस चीज़ को पसंद करते हैं, कारण क्या है कि अच्छा एक वे करना हो, पानी वानी डालना हो, तो बाहर के बाहर ही इसको अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद साउंड बहुत अच्छा निकालता है, बिल्कुल देख सकते हैं अपन, साइलेंसर इसका आउटसाइड पे दिया है। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है भैया, 55 HP निकालता है, और आपका जो है 3682 cc 1850 RPM पे। ठीक है, और टॉर्क जो है ना, ये टॉर्क लगा देता है करीब करीब 247 यानी कि 250 Nm का ये टॉर्क लगा देता है। लोहे की ही टंकी इसकी, 55-60 लीटर के आसपास आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और चाबी वाला लॉक दे रखा है। ठीक है, केयर बटन इसका तो आप जानते ही हैं, 24 घंटे 7 दिन पूरा जो है कस्टमर केयर टाइप से इसका सिस्टम है, वो कंपनी से जुड़ जाता है। ठीक है, PPI 646 यानी कि 46 HP पावर PTO ऐसा कह सकते हैं अपन, है ना, 46 HP की इसकी PTO है भाइयों, E2 इसका कोई वो मॉडल है। ठीक है, पैरदान दे रखा है, फ्लैट पायदान है, MRF के टायर दे रखे भैयों इस वाले ट्रैक्टर, जब ये लोगे ना आप, तो इस वाले ट्रैक्टर के साथ में आपको MRF के ही टायर मिलेंगे भैयों। तो 1628 का टायर है, और ड्यूल टोन कलर में भैयों, है ना, ब्लैक दे रखा है इसका कलर, ब्लैक बिल्कुल चमकीला, रेडक्स टाइप से बिल्कुल शाइनिंग मार रहा है, ये ब्लैक है, और इसका जो रिम कलर है ना, ये सिल्वर प्लेटिनम टाइप से दे दिया भैया, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, चमक रहा है बिल्कुल। वाइसर के साथ में इसके बोल्ट और जो थीम है ना, थिकनेस है इसकी, वो बहुत ज़्यादा हेवी है। बैक साइड इसका देख सकते हैं अपन, पूरा इसकी जो असेंबली है बहुत हेवी दी गई है भैया, इसकी जो असेंबली है पीछे की बहुत हेवी है ना, शॉकअप दे रखे हैं, बहुत मजबूती आ जाती है, हीच वगैरह, 46 HP की PTO है, 3 पॉइंट लिंकेज है, 3 पॉइंट पे सेंसिंग करेगा, है ना, अपनी मिट्टी की कठोरता के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। डबल वाल है ना, आयल सप्लाई के जितने भी इम्प्लीमेंट है आप यहाँ पे करके कर सकते हैं लगा के। ये इसका जो है लीवर यहाँ दिया है, इसके आर्म्स जो है बहुत हेवी है भैया, है ना, देख सकते हैं अपन, और 2000 किलो की इसकी कैपेसिटी है, 20 क्विंटल आसानी से उठा देगा। प्लानेटरी ड्राइव PD, इसका जो बैक एक्सल है भैया PD प्लानेटरी ड्राइव देख सकते हैं अपन, सबसे एडवांस और सबसे बढ़िया जो इसका जो आता है एक्सल वो यही है, है ना, 16 के टायर है, और सबसे बड़ी चीज़ ये 5000 घंटे या 5 साल की वारंटी, कंडीशन अप्लाई कुछ कंडीशंस रहती है। ठीक है, 5 साल बहुत बड़ी बात होती है। पीछे का अपन देख सकते हैं, लाइट वगैरह बहुत अच्छी दे रखी है, ये पूरा सेटअप जो है ये तो भाग से करवाया है ना। ऊपर से अपन देख लेते हैं एक बार इसका जो लेफ्ट साइड वाला, एक चीज़ ये है ना, एक मैं जो खासियत बता रहा था ना, उसमें से एक ही चीज़ ये है कि कंपनी फिटेड ही इसमें बम्पर मिल जाता है भाई, और काफ़ी हेवी बम्पर है, हेवी है ना, बम्पर मिल जाता है टो हुक के साथ में। लाइटें अपन देख सकते हैं इसमें, चार लाइटें भाई, है ना, वाटर लाइट वो ऊपर वाली वो भी है, और यहाँ पे LED के साथ में है ना, ये वाली लाइट बहुत बड़ी फोक टाइप दे रखी है। तो 4 सिलेंडर इसका जो है इंजन है, तो बोश कंपनी का इनलाइन पंप है भैया, 4 सिलेंडर वाला है, देख सकते हैं बहुत ही रिलायबल ये पंप रहता है। कूलेंट विद रिजर्व बॉटल, ड्राई टाइप का, ये फ्लिट गार्ड का है ना, बहुत नामी गिरामी कंपनी है भाई, एक यूनिट इसमें और एक्स्ट्रा दे रखी है, और अच्छे से हवा को फिल्टर करेगा। ठीक है, सिंगल डीजल फिल्टर है, सुपर डीजल फिल्टर बोल सकते हैं अपन, अच्छे से करेगा, वाटर सेपरेटर के साथ में बिल्कुल पानी छन के जाएगा डीजल में से। ठीक है, सेंसर है, ये इंडिकेटर है, चौक कभी हो जाए आपका। ठीक है, एक टूल बॉक्स यहाँ दे रखा है, दोनों तरफ जो है हीट गार्ड दे रखा है, ट्रैक्टर की गर्मी जो है आपको पाँव में नहीं लगेगी। विजिबिलिटी अपन देख सकते हैं भाई, है ना, मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे इसका जो साइलेंसर है ना, उल्टे हाथ पे तो साइलेंसर रहता है ट्रैक्टर, उसकी विजिबिलिटी सबसे शानदार रहती है। कारण क्या है कि जो ड्राइवर का जो बैठने का जो मूवमेंट रहता है ना, वो
राइट साइड में रहता है। कारण क्या है, इधर ही मेन गियर रिवर्स है ना, हाइड्रोलिक के जो लीवर्स रहते हैं ना वो इधर ही, तो ऐसे झुक के ट्रैक्टर ड्राइवर चलाता है ना, G2 वेराइटी क्लास है ना, है ना। तो ये वाली चीज़ है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है भाइयों, बिल्कुल फ्लैट है और बहुत आरामदायक है, विजिबिलिटी बहुत शानदार है, साउंड भी बढ़िया है, झकास। स्टीयरिंग बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं अपन, क्लस्टर देख सकते हैं है ना, इसमें थोड़ा सा डिजिटल और एनालॉग भी दे रखा है, चले हुए घंटे आपको डिजिटल में बताएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं अपन है ना, यहाँ पे बैटरी का दिया है, ये लाइट आयल का और डीजल का, ठीक है। और इसकी जो है ना 1800 के आसपास, करीब करीब 1850 के आसपास, पूरा 540 इसका जो है PTO जो राउंड है वो निकाल देगा, यानी कि बहुत अच्छी बात होती है। बहुत सारे ट्रैक्टरों में भाइयों जैसे 2000 या 2200 इंजन रेटेड RPM पे वो 540 निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं 150 RPM कम पे ही उतनी ताकत निकाल देगा। एक खासियत और ये मैं बता रहा था ना आपको, हाथ का PTO का लीवर है ना, इंडिपेंडेंट क्लच लीवर, ये बहुत आरामदायक रहता है भाइयों, है ना। डबल क्लच जो रहते हैं ना, ड्यूल क्लच, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये चीज़ होती है, हाई लो मीडियम के साथ में भाइयों, और फुली कॉन्स्टेंटनेस गेयर बॉक्स दे रखा है, 1, 2, 3, 4 और रिवर्स, तो 4 या 12 गेयर आगे के लिए और 3 गेयर इसमें पीछे के लिए दे रखे हैं, ठीक है। सारे इंडिकेशन दे रखे हैं, एक बहुत ही बढ़िया चार्ट है, किसान के बहुत काम की, इसको अपन रीडिंग करके अपन इससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। PCDC लीवर का जो सेटअप है यहाँ दे रखा है ना, और बढ़िया सीट, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी है ना, बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं ग्रेब हैंडल के साथ में, तो विजिबिलिटी बहुत शानदार है। तो अपने भाई से बात करते हैं अपन, राजेश जी डोडिया। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते मेहता जी। कहाँ रहते हैं, क्या नाम लिखते हैं, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। राजेश डोडिया, हाँ, बालोदा लक्का रहता हूँ। हाँ, तो डोडिया किसान हूँ। अरे नहीं, देखो किसान कभी छोटा नहीं होता है डोडिया जी, किसान सबसे बड़ा होता है, सब किसान के पीछे ही है। ये जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, रॉकेट चल रहे हैं, ये सब किसान की बदौलत है, ठीक है, खाली समझने की बात है। तो डोडिया जी, मैं पूछ रहा था, अपने गांव में करीब करीब 350 ट्रैक्टर है ना, और ये ब्लैक पेंथर आप लेके आ गए, तो क्या खासियत लग गई? आप पहले तो ये बताओ, आप पहले ट्रैक्टर कौन सा चलाते थे? पहले मैं कम से कम 8 साल से सोनाली को चला रहा था। हाँ, एक शुरू में जो लेके आए थे वो फार्म ट्रक लेके आए थे। हाँ, वो हमारे पिताजी के टाइम पे लेके, पिताजी के टाइम पे है ना। उसके बाद फिर मैंने सोनाली का लिया। हाँ, उसको 4 साल चलाया। हाँ, 42। उसके बाद फिर 50 लिया मैंने सोनाली, फिर सोनाली का ही चेंज करा। हाँ, उसको कम से कम 6 साल चलाया। 6 साल चलाया, फिर वो डीजल थोड़ा ज्यादा ले रहा था ऐसा। हाँ, मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा ले लें अपने खेती के हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, तो लेते तो गया था मैं 45 horsepower का। अच्छा, पावर ट्रैक लेने गए थे। फिर हमारे मित्र जो है श्याम जी, बारोड़, तो उन्होंने बोला कि आइए आप शोरूम पे बैठ के चर्चा करते हैं कौन सा ट्रैक्टर लेना है कौन सा नहीं। हाँ, पूरा डिस्कशन करते हैं ना। तो वहाँ जाके जब ये देखा, हाँ, ब्लैक पेंथर तो देखते से ही पसंद आ गया। हाँ, फिर इसकी कुछ खासियत बताई उन्होंने। हाँ हाँ, जैसे एक तो ये 4 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, 55 HP है ना, फुल लोडेड है। और ये अभी मतलब 2-3 महीने से अपने बिकना। हाँ, अभी लॉन्च हुआ है, कह सकते हैं कि जब खुले बाजार में अभी लॉन्च हुआ है, बाकी कहीं कहीं ये ऑनलाइन बिकता था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है डोडिया जी, बहुत ही बेहतरीन, अच्छा एरी कंपनी का तो है नहीं, बिल्कुल एस्कार्ट कंपनी का है, बिल्कुल ऑथेंटिक, यानी कि अपने इंडिया की कह सकते हैं कि सबसे पुरानी कंपनी है, उसका ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसान के लिए तो थार है। अरे थार वार ये सब बात की बात है डोडिया जी, सबसे अपनी तो यही थार है ना, तो ये आपको पसंद आ गया अभी तक का डीजल जो इसका है। हाँ, 3.5 दिन तक गया है, मतलब 3.5 दिन गीले में जो अपन चला रहे हैं, मतलब जो नमी वाले खेत हैं, नमी वाले उनको अपन तैयार करते हैं, उसमें भी डीजल कम ले रहा है तो सूखे में कम लेगा ये, और कम लेगा। कारण क्या है डोडिया जी के, जैसे कि 55 HP है, बड़ा है ना, तो लोड फ्री चलता है, उस इसलिए डीजल कम लेगा। किसान भाइयों को मिथ रहता है कि यार बड़ा टायर है, बड़ा ट्रैक्टर है तो यार डीजल ज्यादा खाएगा, लेकिन ये बिल्कुल उल्टी बात है, बड़ा ट्रैक्टर रहेगा ना तो लोड फ्री चलेगा, तो वो डीजल कम लेगा। तो बहुत बहुत बधाई डोडिया जी आपको, है ना। ठीक है भाइयों, तो यही था वीडियो, जैसी वीडियो लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।